आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी की रेसिपी। इस कुल्फ़ी को आप झटपट से दूध और मैंगो से बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको क्रीम नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए जो आपको इजीली ना मिले। सिर्फ दूध और मैंगो से इतनी मज़ेदार ये कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है, एकदम क्रीमी क्रीमी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्रीमी क्रीमी कुल्फ़ी को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप यहाँ पे दूध लेना है। यहाँ पे आपके पास जो भी दूध हो वो दूध आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैकेट वाला दूध चाहिए है, तो घर में जो भी दूध आपके पास पड़ा हो उससे भी आप कुल्फ़ी को बना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, दूध को हमें इस तरह से गर्म करना है चलाते हुए, और जैसे ही दूध गर्म होगा वैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ दूध से बना के तैयार कर रहे हैं। कोई भी मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। देखें काफ़ी गर्म हो गया है ये दूध, और इस तरह से जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें 1/3 कप चीनी डाल देना है। यहाँ पे आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, पर ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, 1/3 कप बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और इस तरह से अब हमने चीनी को डाला तो दूध को चला देंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। और इस समय अब आँच को आप तेज पे कर लीजिएगा और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करिएगा। बढ़िया से दूध को पका लेना है, क्योंकि आज हम दूध से ही बना रहे हैं, तो जितना अच्छा हमारा दूध पक जाएगा उतनी ही स्वादिष्ट हमारी कुल्फ़ी जो है बनके तैयार होगी। अब देखें दूध में उबाल आ गई है, कुछ इस तरह से दूध हमें दिखने लगा है। और इस तरह से जब दूध हमारा अच्छे से उबाल आ जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकने देंगे, 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा को आपको सिर्फ 2 चुटकी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, बस इतना ही डालेंगे। इससे क्या होगा, ये दूध जो है अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। तो ये मीठा सोडा जिसे कहते हैं ये घर में सभी के रहता है, तो इसको आप 2 चुटकी डाल दीजिएगा। और दूध को अब हम तेज़ आँच में जल्दी से पका के तैयार कर लेंगे। और ये जो 2 कप दूध है ये 1 कप बचेगा, इतना गाढ़ा हम इसे कर लेंगे। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे और दूध को पका के तैयार कर लेंगे। बेकिंग सोडा का कुल्फ़ी में कोई टेस्ट नहीं आएगा, इससे आप बेफिक्र रहें, और ना ही इससे दूध फटेगा, क्योंकि इससे दूध फटता नहीं है। जबकि इससे क्या होता है कि अगर दूध फट रहा हो तो ये डाल दो तो दूध हमारा फटता नहीं है, बच जाता है, ये काम करता है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और इस तरह से आपको चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। आप देखें इस तरह से ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, एकदम क्रीमी हो गया है। और जैसे मैंने बताया था कि ये 2 कप दूध लिया है, तो 1 कप होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये दूध काफ़ी गाढ़ा है, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस एक मैंगो ले लीजिए, यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक मैंगो लिया है, और अच्छा पीला पका हुआ होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और इसे हम इस तरह से छील कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें जो पल्प है वो निकालना है। तो इस तरह से आप चाहे जैसे भी इसे मतलब छील सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसको काट के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कटे हुए मैंगो पसंद है कुल्फ़ी में, तो आप कटे हुए भी थोड़ा सा पीसेस डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, बारीक इस तरह से काट के तैयार करना है। लेकिन आज हम मतलब पूरे ग्राइंड करके ही डाल रहे हैं। अगर आप डालना चाहो तो थोड़े से मैंगो बचा लीजिए, अगर आपको सेंगे मैंगो पसंद है कुल्फ़ी में तो आप डाल सकते हो। अब इस तरह से हमने सारे मैंगो कट कर लिए हैं, और इन्हें अब हम डालेंगे मिक्सी के जार में, बढ़िया तरीके से इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो बस सारे मैंगो इस तरह से डाल दीजिए आप। यहाँ पे इसे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे साथ में घर की ताज़ी मलाई, ये अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए, जो दूध के ऊपर पड़ जाती है ना। 1/3 कप ली है, अगर हम चम्मच से नापें तो 3 चम्मच है। एकदम ताज़ी होनी चाहिए, जमी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घी छोड़ सकती है कुल्फ़ी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलाई की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चम्मच ही डालना है, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आम देखें कुछ इस तरह से ग्राइंड हो गया है। अब जो दूध हमने पका के रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं,
और देखें ये दूध काफ़ी क्रीमी गाढ़ा हो चुका है, इसी उंगली से आप चेक कर लीजिए। अभी ये गर्म है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा और ठंडा हो जाए, इसे अच्छे से ठंडा करना है। आप देखें ये अच्छे से ठंडा हो गया है, एकदम क्रीमी गाढ़ा है ये दूध, तो इसे निकाल लेते हैं हम। तो इसे भी हमें मिक्सी के जार में डालना है और साथ में आम के साथ हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इसे हमने देखें निकाल लिया है, जैसे मैंने बताया था 2 कप दूध का 1 कप ही बचेगा। अब इसे डाल देते हैं इसी मिक्सी के जार में और एक बार हमें फिर से मिक्सी को चलाना होगा। अब इसमें थोड़ा सा कलर डालना चाहते हैं तो कलर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे येलो फ्रूट कलर का इस्तेमाल किया है। और अगर आप बच्चों के लिए घर के लिए बना रहे हैं तो कलर आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें इसे ग्राइंड करने के बाद ये कितना बढ़िया क्रीमी क्रीमी गाढ़ा सा ये बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इससे कुल्फ़ी भी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ सांचे लिए हैं कुल्फ़ी के और गिलास लिया है, आपके पास जो भी हो, आप जिसमें भी कुल्फ़ी को सेट करना चाहते हो गिलास या इस तरह से सांचे, तो देखें गिलास में अगर सेट करते हैं तो इस तरह से अच्छे से गिलास को भर दीजिए और एकदम क्रीमी क्रीमी ये गाढ़ा गाढ़ा है तो इसे सांचे में भी हम डाल देंगे। इससे आपके पूरे परिवार के लिए कुल्फ़ी इजीली बनके तैयार हो जाएगी और कम मेहनत में इतनी शानदार ये कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। अब मैं हम सारी कुल्फ़ी में इस तरह से ढक्कन लगा देंगे और गिलास वाली को किसी कागज़ या बटर पेपर किसी से भी इस तरह से कवर कर दीजिए। 3 से 4 घंटे तक आपको फ्रीज़र में रखना है और जब अच्छे से सेट हो जाए तो आपको चेक कर लेना है। कुछ इस तरह से देखें बढ़िया से ये सेट हो गई है। अब हम इसे निकाल के दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ये क्रीमी और बढ़िया बनके तैयार हुई है। एकदम क्रीमी क्रीमी बढ़िया सी है, कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमी है, ना ही इसने पानी छोड़ा है, बहुत ही शानदार बनी है। अब हम इसे गिलास में पानी ले लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये इजीली निकल आए और एकदम परफेक्ट आपकी मैंगो कुल्फ़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप पीसेस कट करना चाहते हैं तो गिलास वाले को कुछ इस तरह से गोल गोल पीसेस कट कर सकते हैं या फिर मेरे जैसे चौकोर पीसेस कट कर सकते हैं। तो देखें जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। मैंगो कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही शानदार और बढ़िया बनी है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये अच्छी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी।